इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। दिया है सारी दुनिया के सामने, जिसकी नुमाइंदगी की है, उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे। आप खुद भी एक डिप्लोमेट रह चुके और इसके साथ ये भी कि जो खास तौर पर उन्होंने प्रोटेक्शन फोर्स की बात की है, आप समझते हैं कि एक बहुत मुनासिब ये बात है। अगर ऐसा हो जाए तो इस जो फलस्तीनियों पर पहाड़ तोड़े जा रहे जुल्म के, उससे कुछ बचाव मुमकिन है। हाँ, ये बड़ा अच्छा आइडिया है, मगर होगा नहीं, सबको पता है नहीं होगा। ये सिक्योरिटी काउंसिल ऐसे फोर्स को वीटो करेगी और इसराइल मानेगा नहीं। उनका तो मकसद इसराइल का ये है कि फिलिस्तीनियों को निकालें गाजा से, ये नहीं कि उनको एक प्रोटेक्शन फोर्स लाएं और उसको कहें इनको बचाओ, बिल्कुल नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है कि आपने पूछा कि ये कैसे हल होगा। माफ़ करिए, मैं तो देख रहा हूँ, डेंजरसली मैं देख रहा हूँ, हम जंग की तरफ जा रहे हैं और वो किस किस्म का जंग होगा मुझे नहीं पता, मगर एक बड़ा शदीद जंग हो सकता है। देखिए, अमेरिका ट्रंप मिल के क्या किया ये इस इंसिडेंट के पहले, ये मत समझिए कि ये जो इनको निकाल रहे हैं गाज़ा से, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो इत्तेफाकन अब हो रहा है, ये सब प्लान्ड है। समीना, आप यकीन करेंगी कि रिश्वत दिया गया है, मोरक्को को ब्राइब किया गया है। अमेरिका ने मोरक्को को कहा, वेस्टर्न सहारा जिसने तुमने पकड़ा था और जब्त किया था, उसको हम रेकग्नाइज करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स हैज रेकग्नाइज कि मोरक्को का जो वेस्टर्न सहारा का एनेक्सेशन है, उन्होंने रेकग्नाइज किया। सूडान को कहा, तुम इनको 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 रेकग्नाइज करो, और तुम्हें टेररिस्ट लिस्ट, अमेरिका के टेरर लिस्ट पे था सूडान, उनको निकाल दिया और कहा कि इसलिए कि तुम। और यूएई को जितने इन्होंने हथियार बेचे हैं, क्या मैसिव आर्म्स डील हुआ है, ये सब बिल्डअप था, इसलिए नंबर वन। दूसरी ये चीज है कि मुसलमानों को तकसीम किया है, बुरी तरह तकसीम किया है। अब नेतन्याहू ने क्या क्या किया है, सोचिए क्या कहा है उसने। नेतन्याहू ने कहा है कि जिधर भी हमास के लोग हों, मलेशिया, ईरान और तुर्की, जिधर भी हो, इनके नाम लिया ये मुल्क में, हम जाके उनको मारेंगे उधर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप समझते हैं कि अगर तुर्की के अंदर ये जाके उन्होंने कहा एक हमास का एजेंट है और उसको मारा, डू यू थिंक तुर्की कुछ नहीं करेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा? अच्छा, नहीं होगा तो इसलिए नहीं होगा कि अमरीका, सही नहीं, सोचिए एक बार, वो इसलिए नहीं होगा कि तुर्की के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और इसराइल के पास है। तो इसका क्या मतलब है कि ये मुल्क चाहेंगे न्यूक्लियर वेपन्स हो, इसलिए अगर इसराइल जाके जब मर्जी है उनको जाके बम करेगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि बहुत वसी पैमाने पर ये जंग फैल सकती है। अच्छा हिलाल साहब, ये एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हम इस पर भी बात करें। और इशफाक अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, जो कि सीनियर एडिटर है गल्फ न्यूज के, उनसे भी बात करते हैं इस हवाले से। खुश आमदीद कहते हैं इशफाक अहमद साहब आपको प्रोग्राम में। इशफाक अहमद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, हमारा रابطہ शायद मुनकता हो गया, उनसे कोशिश करते हैं उनसे बात करने के। लेकिन इमरान साहब, पहले जो इन्होंने पॉइंट उठाया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तो फिर इसमें एक दो ममालिक के दरमियान ये मामला नहीं रह जाएगा, इसमें तो फिर ये और नेशंस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा बात स्टार्ट से उठाते हुए कि जो प्रेजेंटेशन पाकिस्तान की थी वो कैसी, और फिर आपको लगता है कि जो वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट भी अब शुरू हो गए हैं, ये दबाव बढ़ आया अब इसराइल के ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो आप प्रेजेंटेशन की बात कर रही हैं, तो सोशल मीडिया पे मैं समझता हूँ कि हर चीज़, जब हम हमेशा सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इस दफ़ा अगर फ़लस्तीन का इशू पूरी दुनिया में उठाए तो उसमें हमें सोशल मीडिया को क्रेडिट भी देना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर हम ट्विटर की बात करें तो उस पर इशू इस तरह से बनाई है पूरी दुनिया में कि उन्हें मजबूरन इस तरफ ध्यान देना जो आपने बात की, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया। मैं जरा सुनवा दूं, फिर मैं आपका इस पे मजीद भी बात करते हैं।
प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि वो पहले मगरिब में इसराइल के खिलाफ बात नहीं होती थी, अब मगरिब में भी हुई है, फिजिकल प्रोटेस्ट भी हुए हैं और सोशल मीडिया पर भी, जैसे इमरान साहब ने कहा। सुनिए जी प्राइम मिनिस्टर साहब। दुनिया का पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है। पहले भी जब इसराइल की फौजें जुल्म करती थी फलस्तीनियों पे, मगरब के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि इसराइल की वो तनकीद करे। वहां से आवाजें उठनी शुरू हुई, उनके अखबारों ने इसकी तनकीद की। कभी मैंने समझता था कि अमेरिका में वो इसकी इसराइल की तनकीद करेंगे। इसकी एक और वजह है सोशल मीडिया। मेन मीडिया अगर कोई रिपोर्ट को रोकता भी है तो सोशल मीडिया एक ऐसी फोर्स आ गई है कि उससे अब कोई भी कम्युनिकेशन और न्यूज को रोक नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। इमरान साहब, माजरत के साथ हमें इशफाक अहमद साहब ने ज्वाइन कर लिया, जरा थोड़ी उनसे गुफ्तगू करते हैं और आप भी शामिल हो जाइएगा। इशफाक अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मेरी? सलाम जी, आवाज आ रही है मुझे? जी इशफाक साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने शो में। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके नज़दीक जो हमने अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की है कि अब मगरिब में भी आवाज़ उठ रही है इसराइल के खिलाफ, जो इससे पहले नहीं उस तरह से देखी गई, आप समझते हैं कि इतना ज़्यादा प्रेशर अब बढ़ गया है इसराइल पर कि उन्हें अब जंग बंदी करनी पड़ेगी और सोल्यूशन की तरफ आना पड़ेगा? जी आप ठीक कह रही हैं, ये बात ठीक है। मगरिब में हमेशा जो वेस्टर्न मीडिया था वो हमेशा इसराइल को सपोर्ट करता था, लेकिन इस दफा जब इन्होंने अल जलाल टावर पे बॉम्बिंग की है जिसमें एपी और जजीरा के ऑफिस से, तो इससे काफी ज्यादा लोगों को अवेयरनेस हुई है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको हाईलाइट किया है, और जितना पहले देखा जाता था कि एंटी पैलेस्टाइन कवरेज होती थी, इस दफा इसराइल के जो मामला थे उन... तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो बात करते हैं पाकिस्तान के मीडिया का जो रिएक्शन आया है फिलिस्तीन और इसराइल का, जो सीज़ फायर एग्रीमेंट होने के बाद तुरंत जो वायलेट भी किया गया इसराइल के द्वारा, और जो वाजिब था वायलेट करना, क्योंकि आपको बता दें कि हुआ क्या था कि सेलिब्रेशन किया जा रहा था, जो हमास के लोग थे जो गज़ा पट्टी में जो लोग रहते हैं, और सेलिब्रेशन करते करते उन लोगों ने इजरायली फोर्सेस पर बरसा दिए पत्थर। उसके बाद हुआ क्या, इजरायली फोर्सेस ने चला दी गोलियां, तो जो कि वाजिब था। अगर आप ऐसा करोगे वायलेशन के बाद फिर ऐसी कुछ हरकत करोगे तो उनका जायद था। तो गाइज इस वीडियो में आपने देखा जो जफर हिलाली था वो बात कर रहा था, मोसाद ने धमकी दी है कि जितने भी हमास के टेररिस्ट हैं वो चाहे किसी भी कंट्री में हो हमको घुसकर मारेंगे, और ये मोसाद का पुराना रिकॉर्ड है। अगर आप जाके सर्च करेंगे मोसाद, इतना बस डालेंगे मोसाद इन हिस्ट्री, तो आपको ऐसे कई अच्छे चैनल यूट्यूब के जो हैं उसमें मोसाद के बारे में बताया गया। उन्होंने ऐसे ऐसे ऑपरेशन किए हैं कि मतलब 10-10, 15-15 साल दुश्मनों को उन्होंने पकड़ पकड़ कर उन्हें मारा गया है, मतलब उनके द्वारा, मोसाद के द्वारा, इतनी डेंजरस एजेंसी है मोसाद। तो आप समझ सकते हो दोस्तों मोसाद, तो ये जफर हिलाली बोल रहा है कि मोसाद ऐसा कैसे कर सकता है क्योंकि मोसाद के पीछे खड़ा है यूएस। तो अब जो भी है, जो भी खड़ा है नहीं खड़ा है, मोसाद ने अगर ऐसी धमकी दी है तो उसे सीरियसली लेना चाहिए। यह कोई गुंडे की धमकी नहीं है या किसी मूवी का डायलॉग नहीं है। तो गाइस ये वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में एक चीज़ तो समझ में आ गई कि फ़िलिस्तीन को लेकर पाकिस्तान ने जितना रोना रोया था उससे पाकिस्तान का मतलब फ़िलिस्तीन में जो भी सीज़ फायर वॉलेशन हुआ कोई भी मतलब पाकिस्तान की वजह से नहीं हुआ। और आपको एक डेटा शेयर करना चाहूँगा मैं, आप ये डेटा देखिए जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और फ़िलिस्तीन का जो मतलब पर कैपिटा इनकम और जो भी बहुत सारी चीज़ें कंपैरिजन किया गया उसमें फ़िलिस्तीन पाकिस्तान से आगे है। और ये हर बार ये लोग कहते हैं कि हम फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम ये हैं वो हैं, इनका खुद का हाल इतना बुरा है और ये फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और शाह महमूद कुरैसी का जो इंटरव्यू था CNN पर जो काफ़ी वायरल हुआ, वहाँ पर इन्होंने मतलब एक प्रकार से आरोप लगाए कि आप यहूदियों को समर्थन करते हो, तो वहाँ से लेडी ने बोला आप जो चाइना में जो मुसलमानों को पेला जाता है उसके बारे में कुछ बोलिए, तो वो जो पीर साहब थे उनके मुँह से कुछ का कुछ निकल रहा था। आप अगर वो इंटरव्यू देखें, अगर उसके क्लिप देखें, तो पीर साहब पीर हैं वो भाई साहब जो अपने विदेश मंत्री हैं इनके पाकिस्तान के, वो पीर भी हैं, तो वो कुछ का कुछ बोल रहे थे। मतलब आप समझ सकते हो हिपोक्रेसी। चाइना अगर मुसलमानों को पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टर्की टर्की है जो कुर्दों को पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरबी है यमन को पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये खुद पाकिस्तानी पहले किसको
अपने इनको जो बलूचियों को या सिंधियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको दिखता है क्या फिलिस्तीन, कश्मीर, बर्मा, यही सब चीज़ें दिखती हैं। तो गाइज़ ये वीडियो करता हूँ खत्म, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलिए।